सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज पलामू व बेल आइकॉन दबाकर पाएं परमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। राज्य में सरकारी विद्यालयों की बच्चों के बीच ज्ञान सेतु योजना के तहत शैक्षणिक संवर्धन का प्रमाणीकरण प्रमाण पत्र उटारी प्रखंड की नौगढ़ विद्यालय को कोरोना काल के कारण उपायोग जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला शिक्षा अधीक्षक की उपस्थिति में समाहरणालय के NIC सभाकक्ष में दिया गया। इससे पूर्व यह प्रमाण पत्र शिक्षा सचिव के द्वारा रांची में मुरमा कला विद्यालय को दिया गया था। BCG और पिपरामल के संयुक्त तत्वाधार में चल रहे ज्ञान सेतु योजना के तहत बच्चों का आधार रेखीय आकलन कर उनका शैक्षणिक संवर्धन के उपरांत विद्यालय को स्वर्ण, रजत और कांस्य तीन ग्रुपों में बांटकर प्रमाणीकरण किया जाता है। उसी के तहत इस विद्यालय को कांस्य का प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है। इस प्रमाण पत्र को विद्यालय परिवार की तरफ से विद्यालय के सहायक शिक्षक राजेश कुमार मिश्र ने प्राप्त किया। इस अवसर पर हर्ष व्यक्त करते हुए विद्यालय के प्रधानाध्यापक कृष्णा राम ने कहा कि यह प्रमाण पत्र हमारे CRP प्रमोद सिंह, सहयोगी शिक्षिका ममता पांडे, सहायक शिक्षक राजेश कुमार मिश्र तथा विद्यालय प्रबंधन समिति के संयुक्त प्रयासों से प्राप्त हो सका है। इस अवसर पर मेहनत के लिए कृष्णा राम ने बच्चों को भी बधाई दी। उटारी रोड से आकाश तिवारी की रिपोर्ट। राज्य सरकार के द्वारा पूरे राज्य के विद्यालयों को 3 कैटेगरी में बांटने का योजना है। ज्ञान सेतु कार्यक्रम बच्चों के ज्ञान संवर्धन हेतु कार्यक्रम चल रहा है। उसमें कास्ट से मतलब समझिए कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड 3 कैटेगरी में विद्यालयों को बांटना है। पहला कैटेगरी गोल्डन का है, उसके बाद सिल्वर का है, उसके बाद ब्रॉन्ज का है। अपने विद्यालय को ब्रॉन्ज का प्रमाण पत्र मिला है, मतलब हम तीसरे श्रेणी के विद्यालय राज्य में अभी एक ही कैटेगरी में बांटा गया है, उसमें तीसरे श्रेणी के कैटेगरी में हम हैं। कांस्य पदक हमारे विद्यालय को प्राप्त हुआ है। पलामू में उपायुक्त महोदय के द्वारा विद्यालय प्रमाणीकरण आपको दिया गया, सर उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? यह हमारे विद्यालय के सहकर्मियों और साथ ही बच्चों का मेहनत का फल है कि हमें यह प्रमाण पत्र प्राप्त हो सका है। जी।